potatoes with jam, veg sandwich, grill sandwich, with cheese caramel sandwich, paneer sandwich, paneer butter. Yeah, paneer. देख ले, सोच के सोच समझ ले, आगे अभी बहुत लंबा सफर है। ये देखो रास्ता खराब है, बहुत लंबा सफर है, देख ले। वो देखो एरोप्लेन बता रहा हूँ मैं तुझे, उसमें कुछ है तो बादाम। तो भैया जी, हम इसलिए खड़े हैं यहाँ पे क्योंकि हमें आ रही है गाड़ी लेने के लिए। बिना तेल के बनवा देता एक्टर देख लिया तो। बटर मिक्स कर ले इसमें, ये है बटर पनीर था वो पनीर। अच्छा, तुझे इसको बाद में देना, इसको बाद में बस। नहीं, देख मुझे बता, चीटिंग करेगा तो मेरे साथ। देख गुड, आराम कर लेगा यार। देख ले, सोच के सोच समझ ले, आगे अभी बहुत लंबा सफर है। बहुत लंबा सफर है, देख ले। वो देखो एरोप्लेन बता रहा हूँ तुझे, वो करो ना। एक पता है कौन के दोस्त, एक ही नहीं छोड़ता है। क्या भाई, ऐसे दो चार भाई और हो जाए। उसमें कुछ है तो बादाम काट के डाला, कुछ भी नहीं। अब लास्ट में कुछ भी नहीं बचा इसमें। पहले दिन हमें जो प्रोग्राम था, जो वेडिंग थी पानीपत की थी, हम वहाँ पे शूट करने गए। ट्रेवल में भी मज़ा आया, दूर था पर अच्छा लगा, बढ़िया लगा। तो अभी क्या करता हूँ मैं, आपको सबसे पहले वेडिंग दिखाता हूँ कैसी थी। ये वेडिंग आपने बहुत सारी देखी होगी, बट ये थोड़ी डिफरेंट, बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ था इस वेडिंग में, और मैं दिखाता हूँ आपको। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मज़ा आया मुझे इस वेडिंग में, एक अलग ही एक्सपीरियंस था, अलग ही कहानी थी।
बहुत सारा एंटरटेनमेंट था, यानी कि आजकल जो चल ही रहा है डांस करने वाली अलग से, तो ड्रिंक भी थी, यानी कि दारू भी थी, बियर भी थी, और पिज्ज़ा मैंने पहली बार देखा किसी वेडिंग में, ज़्यादातर हो रहा है आजकल, बट जिस तरह वहाँ पे पिज्ज़ा था, हर तरह का पिज्ज़ा था, केक था और बहुत सारी स्वीट डिश थी, बहुत ज़्यादा, यानी कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रसमलाई, जलेबी, वलेबी, मतलब हलवे हर तरह के थे, बेसन का भी था और सूजी का भी था, हर तरह के हलवे थे। और स्टार्टर की बात करूँ तो छोले कुलचे, छोले भटूरे और दाल चावल, दाल चावल तो होता ही है, बट वहाँ के जो छोले चावल थे जो बाहर मिलते हैं, यानी कि किसी ठेले पे उस टाइप के लगाए हुए थे। और खाने में तो भाई खाने की तो मत पूछो, पनीर सब्जी भी इतनी थी कि मैं देख के ही मन भर गया था खाने का। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में मैं जा रहा हूँ सहारनपुर, सहारनपुर यानी कि एक सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ क्या, जिस कंपनी के साथ मैं काम करता हूँ वो कंपनी पहले ऑनलाइन थी, अब मार्केट में आ रही है ऋषिकेश में, और पता नहीं उन्होंने अभी तक नहीं बताया किसी को, और मैं व्लॉग में बता रहा हूँ, पता नहीं बताना है नहीं बताना, बट हाँ मार्केट में आ रहे, कहाँ रहे ये पता नहीं, अभी बताऊँगा नहीं मैं। तो उसके लिए फर्नीचर लेके आना था, फर्नीचर यानी कि वुडन फर्नीचर, तो वो बनता है सहारनपुर में, तो सहारनपुर में जाएंगे हम, सहारनपुर में जहाँ पे ये तैयार होता है वहाँ पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बार बार थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये लाइन तो मेरे एकदम कट गई है। तो जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।